क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर जीरो होगा, जीरो। मैंने देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखो द लिसाज फिगर फॉर्म बाय सुपर पोजिशन ऑर्थोगोनल सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रीक्वेंसी 2:1 रेशियो, द फिगर जो शेप ऑफ द फिगर आएगा ना वो 8 आएगा, ऐसे करके फिगर आएगा, ऐसे करके फिगर आएगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्थोगोनल सिंपल हार्मोनिक मोशंस विल बी व्हाट, ओके। तो इसका आंसर जीरो भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 180 तो फिलहाल इसमें नहीं है, तो इसका आंसर अभी जीरो होगा। कैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो तो ये 2:1 रेशियो में है, तो लिसाजस फिगर वी आर गोइंग टू ड्रॉ। लिसाजस फिगर कैसे ड्रा करते हैं उसका मैं वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में, ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ सिर्फ रफली यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ ले लेते हैं और यहाँ एक ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे तो ड्रा करते हैं ना, ऐसे ये, ठीक है, ऐसे ऐसे, और नीचे वाले का मैं यहाँ पे रफली ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो पहले देखो 2:1 मीन्स सपोज ये जो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो नॉर्मल होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा ये इसका डबल होगा। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, कैसे डिटेल प्रोसीजर मैंने बताया है वो वीडियो तुम जाकर देख सकते हो। यहाँ पे नंबरिंग करना, 0 ये 1, ये 2, 3, 4, 5 ये 6, ये 7, ये 8। सो मान लो ये 1 मिनट में एक बार रोटेट हुआ, तो 1:2 मीन्स ये 2 बार रोटेट होगा, 2 बार रोटेट होगा मतलब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, एक छोड़ के, एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे 2 होगा, एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। दिस इज द प्रोसीजर टू ड्रॉ दी ज्योमेट्रिकल रिसर्च फिगर, ज्योमेट्रिकल मेथड। 6 ये 7 और ये एंड ये 8 होगा, ये पॉइंट्स ऑफ, ये पॉइंट्स ऑफ, ठीक है। अभी हम पॉइंट्स ऑफ ज्वाइन करेंगे बाय कंसिडरिंग द फेज डिफरेंस इज 0, फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 में मतलब ये यहाँ से शुरू होगा, ये भी यहाँ से ही शुरू होगा, ठीक है। अभी ज्वाइन करेंगे, 0 को 0 ज्वाइन कर लो, ये हो गया 0 के 0 0, देन 1 किधर है, 1 इधर, 1 यहाँ पे 1, ठीक है, 1, देन 2 इधर है, 2 इधर, ठीक है, 2, 3 ये 3 है, तो मैं कैसे गया इधर, ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे आया, ठीक है, एंड 3 गया, 4, 4 मतलब ये इस लाइन पर है, इस लाइन पर यहाँ है, तो मैं ऐसे गया, ठीक है, ऐसे ऐसे, देन 5, 5 किधर है, इस लाइन पर, इस लाइन पर 5 है, इधर 5, देन 6, 6 इधर है, 6, देन 7 किधर है, 7, 7 यहाँ पे, 7, 8 यहाँ पे, तो ऐसे गया। तो ये कौन सा फिगर बना, 8 के जैसा बना या नहीं बना, बना, ठीक है। तो फेज डिफरेंस 0 आंसर में था, तो इसका आंसर फेज डिफरेंस 0 ही होगा। अगर 180 होता होता ना वो भी आंसर होता, 180 होगा। देखो 0 में ये डायग्राम ऐसे है, आरो आरो जो है इस तरह सा है, ठीक है, और 180 होता तो ये जस्ट रिवर्स होता, 180 होता तो आरो जो है वो रिवर्स हो जाता, ऐसे करके यहाँ, ऐसे ऐसे करके होता, जस्ट रिवर्स। सो इसका आंसर फेज डिफरेंस इज योर 0, ओके।